2024 लोकसभा चुनाव की बात कर लें, सियासत बिछ चुकी है, सभी पार्टियां अपना अपना दांव चल रही हैं, बिखरे बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की कवायद भी जारी है। पटना में बीते 23 जून से यही कोशिश दिखी तो सही, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन फिलहाल हो नहीं पाया। अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में होनी है। पटना की बैठक में शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में विपक्षी दलों की तुलना रूस के बागी वैगनर आर्मी से करके एक नई बहस छेड़ दी है। संपादकीय में विपक्षी नेताओं को विपक्षी जो एकजुटता 2024 को लेकर बन रही है, जो पटना में बैठक हुई, उस ग्रुप को वैगनर ग्रुप कहा गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, वैगनर ग्रुप कहा जा रहा है आप लोग को? अरे देखिए, शिवसेना के मुखपत्र सामना में क्या लिखा है ये हमने देखा नहीं है, अभी तो शिवसेना के लोग बताएंगे। लेकिन 23 तारीख को पटना में जो गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उस बैठक में ये तय हुआ कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे 24 का चुनाव। एकजुटता का मिसाल कायम हुआ। तो लोकतंत्र में सेना जनता होती है, जनता किसी को सत्ता देती है, किसी को हटाती है, तो जनता के लिए ये बात कही गई होगी, बाकी तो शिवसेना के लोग बताएंगे। क्या आप विपक्षी एकता की जो बात कर रही है, क्या शिमला के बैठक तक तो ये कायम रहेगी ना? देखिए, शिमला के बैठक दूसरी बैठक होगी, फिर तीसरी बैठक होगी, फिर ये तो अब जब आपस में मिलकर चुनाव लड़ना है तो क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्या रोड मैप हो गया, क्या रणनीति होगा, सब धीरे धीरे जब एक साथ बैठना शुरू हो गया तो अब इसको अंजाम तक पहुंचाना है, भाजपा मुक्त भारत बनाना है। ये थे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना था कि अब बैठक शुरू हो गई है, तमाम विपक्ष जो नेता है वो एकजुट आ गए हैं और धीरे धीरे जो है अब इसको लेकर रणनीति भी तय होगी। कैमरा प्रभात के साथ शक्ति इंडिया न्यूज पटना। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में, 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं, 377। ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों, और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं, 32 कॉल, और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही है। विपक्षी दल जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं को कहें कि भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तो उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। मनमानी बात होगी तो कैसे कैसे मनमानी बात? सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं, सभी दल के लोग CBDI से डर से गुलिया रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग, तो कहाँ अलग अलग विचार हैं। तस्वीरें विपक्षी एकता की जो ये बैठक हुई पटना में, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया, उसकी तुलना वैगनर आर्मी से कर दी गई। वैगनर आर्मी जिसे अमेरिका